आगे आनी हो ही बिल्लो टैम। जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। हम हैं यहाँ के नए ट्रेनर, मैं बनवाऊंगा बॉडी यहाँ पे सब लोंडों की। अबे छोटू इधर, वर्कआउट के टाइम पे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हाँ बोल क्या है? ए, थोड़ी तमीज से बात कर ले, दिखना रही है बॉडी बिल्डर हूँ, दबा के मार दूंगा दान से बॉडी में। तेरे जैसे बेहतर आते हैं और बॉडी ऐसी बना के जाते हैं, ठीक है? तूने मुझे ललकारा। अबे कुत्ते हरामजादे, मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनर, देखना रही है बॉडी मेरी। सलाम साहब। हे, मैं कोई पुलिस वाला थोड़ी हूँ तो सलाम कर रहा है, मैं ट्रेनर हूँ, बॉडी देख। तो फिर कैसे करते हैं? तू फ्रंट डबल बाइसेप, गुड, नाइस। अच्छा वैसे इधर एक बात बता, यहाँ पर कोई ताजा माल है क्या? मतलब कोई नया नया जिम सीखने आया हो, मेरे को बता। देखो ट्रेनर साहब, जो लड़कियां ना, मैंने उनको उस साइड भेजा है क्योंकि वहां अच्छे से वर्कआउट होती है ना। लड़कियां, ओह माय गॉड। और बता, और जो पुराने लड़के ना, मैंने उनको उस साइड भेजा है। अच्छा उधर, चल भेजा था, हट। सबसे पहले मैं जाऊंगा लड़कियों के पास। उरा तेरी, इतनी सारी खूबसूरत महिलाएं, इनको तो मैं ही बॉडी बनवा के जाऊंगा यहाँ से। पहले किसके पास जाऊं? इस बनियान वाले के पास जाता हूँ। हेलो मैडम। अरे मैडम, ये जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, जो कर रहे हो एक्सरसाइज, ये आप गलत कर रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है, इससे आपका शरीर खराब हो सकता है, लकवा मार जाएगा, आप खराब हो जाओगे इससे। ए मैडम, क्या देख रहे हो? ये मेरे चेस्ट है, चेस्ट, और ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। अच्छा, मुझे लगा। क्या लगा तुझे? हैं, क्या लगा? कुछ नहीं। ये पता कितनी मेहनत से बनाई है मैंने, कम से कम पूरी 9 महीने की तपस्या थी मेरी। हाँ तो देखो मैडम, मैं आपसे ये कह रहा था, जो आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो ना, ये बहुत ही घटिया एक्सरसाइज है, मतलब ऐसे होती नहीं है ये। मैं बताता हूँ कैसे होती है, करके दिखाऊं, भरोसा नहीं हो रहा, खड़े होकर देखो। देखिए मैडम, जैसे आप कर रहे थे ऐसे, ये है गलत एक्सरसाइज, ठीक है? अब जो मैं आपको बताऊंगा वो करना, वो है बिल्कुल राइट एक्सरसाइज, डोले बनवा के जाऊंगा। तो पहले आपको करना है ये, फिर करना है ये, फिर ये, फिर ये, एक हाथ आगे, दूसरा हाथ आगे, यूं, समझ रहे हो, ऐसे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी मेरी तरह। तो आप करो, मैं अगली के पास जा रहा हूँ। अरे मैडम, ये क्या कर रहे हो आप? मैं तो स्क्वाट्स कर रही हूँ। गलत बात, ऐसे थोड़ी करते हैं स्क्वाट्स। तो कैसे करते हैं? मैं दिखाता हूँ, लाओ। क्या कर रहा है? अबे कौन है तू? ट्रेनर हूँ मैं, ट्रेनर। Few moments later. हाँ, चलो सबको ट्रेनिंग दे आया, अब अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे बालक। चलो थक गया, पानी पी लूँ थोड़ा सा।
गुब्बारा फूट गया, क्या करूं? जल्दी से जाता हूं वॉशरूम में और दूसरा गुब्बारा लगा के आता हूं, कोई देख ना ले। बाल बाल बच गया यार, इस गुब्बारे के चक्कर में आप फंस जाता। वो तो सही है, एमरजेंसी के लिए गुब्बारा मैं पहले ही साथ में आया, अभी से फुलाता हूँ और लगाता हूँ और सबको बेवकूफ बनाता हूँ। तेरा भी लाजवाब है नाम जो भी है शिव। खतरा आवाज किसी ने सुनी तो नहीं होगी? अरे कहाँ सुनी होगी, सारे बेवकूफ हैं। अब दूसरा गुब्बारा भी नहीं है, बैग में रखा है। एक काम करता हूँ, बैग में से गुब्बारा लेके आता हूँ चुपचाप और यहाँ लगाता हूँ और सबको भद्दू बनाता हूँ। चलो गुब्बारा और तेरे को दोनों को फोड़ेंगे हम। इतना बड़ा झूठ बोले तूने। कमर तोड़ दी रे मेरी, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा फ्यूचर कैसे बनेगा बॉडी बिल्डिंग में? गलत एक्सरसाइज कर रहा बेबू। तो मैं करवाऊंगा ना इसकी सही एक्सरसाइज। हवा बाजी, ये। पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा पता। बात है भाई, बड़े दिनों से इस लड़की को घूरते जा रहे हो। हाँ भाई की मुस्कुराहट तो दे। मुस्कुराहट देख रहा है तू लड़के की? अरे भाई, जब तेरे को उससे सच्चा प्यार है तो तू उसको जाके बोल क्यों नहीं देता? हाँ बोलना यार। मैं नहीं बोल सकता यार, मेरी बट्टी है यार। प्यार किया तो डरना किस बात का, जाके बोल डालना। अरे बोल डाल यार तू। अगर मैंने लेकिन उसको बोल दिया और उसने मना कर दिया तो मेरे दिल को तो बहुत दर्द होगा ना। तो तुझे तेरे मामा का वास्ता। अरे नहीं यार, मैं नहीं बोल रहा। तो तुझे तेरे फूफा का वास्ता। नहीं यार, मैं नहीं बोलूंगा। तो तुझे तेरे प्रोटीन शेक का वास्ता। नहीं। अरे यार, कौन सा वास्ता दे दिया, अब तो मुझे उसको प्रपोज करना ही पड़ेगा। अरे जा, तेरा शरीर फौला दिया और तेरा जिगरा भी फौला दिया, बोल डाल उसको। बोल डाल। ज्यादा मक्खन मत लगाओ, जा रहा हूँ मैं। हाँ मक्खन लगाने बैठे हैं दोनों। हाय तेजस्वी। हाय। वो ना मुझे ना कुछ कहना था। मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहला प्यार है ये, मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो वरना मैं मर जाऊंगा। अबे तूने अपनी शक्ल देखी है? हाँ, ऐसा लगता है किसी ने ना गुटली चूस के फेंक दियो। और वैसे भी अगर तेरे को मैं म्यूजियम में सजाऊँ ना तो सारे स्केलेटन करके तेरा मजाक उड़ा के जाएंगे, ढांचा कहीं का हड्डी का। और तेरे जैसे बंदों के ऊपर तो हम कपड़े टांगते हैं हैंगर। और तेरे को पता है बॉडी कैसे होनी चाहिए? बॉडी तो मेरे बॉयफ्रेंड जैसी होनी चाहिए, बताऊं बेबी? माँ ना ये भी पतला है पर तुझ जैसा पतला नहीं है। देख, इसके डोले भी हैं, इसकी चेस्ट भी है, इसकी बैक भी है और इसके हिप्स। रहने दो। तो पहले बॉडी बनाकर आओ, फिर मेरे पास आओ। अब चले जाओ, चल निकल यहाँ से, स्केलेटन कहीं का। लो, निकलना यहाँ से, देखो रैकेट, चल। दोबारा जरूर आऊंगा। पहले जा तो सही।
बीबी बटरफ्लाई मार लिया आपने? हाँ बीबी, अब बैक मारेंगे। चल। क्या बोलता है जाने? वो मुझे ना ये वाली क्या पागल पागल है क्या? ए, चुप। अब मुझे पता है तू मेरे पास क्यों आई है। मुझे पता है तू मेरे को प्रपोज करने के लिए आई है, लेकिन मैं तुझे साफ इनकार कर दूंगा और मैं तेरा इंतकाम लूंगा। पर तू है कौन? मैं तो तेरे को जानती भी नहीं। जानती नहीं है? याद आया कुछ? नहीं पता चला। पांक। नहीं कैसे? याद है तुझे? आज से ठीक एक साल पहले एक लड़का आया था तेरे पास तेरे को प्रपोज करने के लिए, लेकिन तूने उसे साफ इनकार कर दिया उसके पतलेपन और उसकी गंदी शक्ल देखकर। याद है कुछ? और तूने उसे क्या कहा था? चूसी हुई घुटली, कपड़े टांगने वाला हैंगर और स्केलेटन, वो भी म्यूजियम वाला, और जाने क्या क्या कहा था? याद आया? हाँ, कहा तो था, पर तू तो वो है ही नहीं, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, जाना। ए, वो लड़का कोई और नहीं, मैं था, मैं। तू चला। अरे ओए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं वही लड़का हूँ। वो एक्चुअली हुआ क्या ना कि वो एक्चुअली मैं बचपन में ज्यादा पतला लगता था, फेस भी गंदा था और बॉडी शॉडी भी नहीं थी, और अब देख मेरी बॉडी कितनी तगड़ी है। हाँ अबे ओ, शक्ल तो तेरी भी अभी भी वैसी है, चूसी हुई गुटली जैसी। तो अब साइड में, मेरे को एक्सरसाइज करनी थी, मैं तुझसे बहस करने नहीं आई थी। हे, मैं नहीं करने दूंगा तेरे को एक्सरसाइज। नहीं हटेगा? नहीं नहीं। नो नहीं, नेवर। अगर तू नहीं हटाना तो मैं अपने बंदे को बुला लूंगी। बंदे को बुला? अपने बंदे को, वही ना छोटा सा नाटा सा, वो चिरकुट सा, बुला ले उसका, तो मैं एक हाथ से देख लूंगा इस वाले से। बुला बुला बुला। बेबी। अरे बेबी हो या बाबा हो, उसको तो मैं चुटकियों में देख लूंगा। आने दे तेरे बेबी को, मैं डरता थोड़ी, उसको तो ऐसे कील की तरह पकड़ूंगा और थोड़े से टक 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 ठोक दूंगा। अरे भाई साहब, आप कौन? नमस्ते। ये है मेरा बेबी। क्या 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 क्या? ये तेरा बेबी है? हाँ, लगता है तूने अपना बॉयफ्रेंड बदल लिया। नहीं जी, मैंने अपना बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं बदला, ये वही है। तुझे क्या लगता है, तू ही बॉडी बना सकता है, तू ही प्लास्टिक सर्जरी करवा सकता है? मेरे बेबी ने भी करवाई है। लेकिन इतनी तगड़ी बॉडी और इतना लंबा कैसे हो गया ये मलंग सा? कॉम्प्लेंट पीता था क्या? नहीं, एक्सरसाइज से ही लंबा हुआ है, तू भी हो जाता ना। चलो ठीक है दीदी, एक काम करो, फिर आप एक्सरसाइज करो, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? रुक, तेरा इंतकाम तो मैं लेता हूँ। अरे भाई छोड़ दो भाई, अरे भाई छोड़ दो भाई, अरे भाई। अरे यार, इसने तो मेरा इंतकाम ले लिया। पूरा तेरी जिद्दी। वैसे यार जिम तो कुछ बातचीत वाला लग रहा है ना, देखियो कितनी सारी मशीनें हैं इसमें। जिम तो कुछ गच्चा भाई, सोले सोले तो निकाल ही लूंगा मैं। सही कह रहा भाई, इसी में ज्वाइन करेंगे अब कल से, ठीक है? लेकिन भाई कोई दिख नहीं रहा यार, मैनेजर टाइप किससे बात करें हम? मैनेजर नहीं होता, कोच होता है। पहले कोच नहीं होता यार, वो रिसेप्शन पे बैठते नहीं है, रिसेप्शन पे वो कहाँ है वो? हाँ, देख इधर ही कहीं। अरे वो दुबो रहा, देखना। अल्लाह भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। वो भाई साहब, हमें ये जिम के बारे में पूछना था, ये जिम का क्या प्राइस और क्या मतलब क्या फैसिलिटी वगैरह है, बताओ कुछ इसके बारे में, कुछ बताइए हमें। भैया क्या बताऊँ, जिम जैसी आपके आगे है, मशीनें देखो कितनी एडवांस मशीनें है हमारे पास। भाई साहब और कुछ बताइए ना, क्या क्या आपके जिम में? पर्सनल कोचिंग भी मिल सकती है आपको, डाइट प्लान हम खुद बताएंगे आपको, और तो और हमारे जिम में स्पा भी है, जकूजी भी है, शावर भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है। ये सब क्या होता है? होता है पांक।
हम आपको सारी एक्सरसाइजें बताएंगे टाइम टू टाइम, आपका जो भी शेड्यूल होगा हम आपको खुद तैयार करके देंगे। अरे भाई साहब आपकी जिम तो एकदम परफेक्ट है। चलो अब ये बता दो कि इसकी जिम क्या है, मतलब सॉरी इसकी जिम की फीस क्या है। फीस है इसकी 2500 रुपए महीना। 2500 रुपए? अबे तू पागल है क्या, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? 2500 रुपए पागल तो नहीं है ये? 2500 में तो घर का किराया दे देता हूँ मैं। एक काम करिए आप हमारे कोच से बात करिए। हाँ बुलाओ, कौन है कोच तुम्हारा, बुलाओ कोच साहब। हाँ कोच साहब। न्यू एडमिशन है? हाँ जी, हाँ जी मैम। चुप रह। न्यू एडमिशन मैम। तो आपको जिम की फीस के बारे में तो पता ही होगा। अरे मैडम जी आज थोड़ी होता है, ये तो कह रहा छोटे बच्चों के लिए जिम नहीं है ये। हाँ मना कर रहा हमको, भगा रहा जिम से। अरे नहीं नहीं बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। हाँ तो जिम की फीस बताओ आप कितनी है? जी 3000 है। डन। कोई आपके पास 3 महीने का वो नहीं है क्या, कोई मतलब पैकेज? मतलब 3 महीने आओ तो कुछ इतना पैसा, क्योंकि हम पे पैसा बहुत है, बोरी में धरा हुआ सड़ रहा है, क्या करें यहीं पे थोड़ा इन्वेस्ट कर देंगे। पैसा बहुत है, जल्दी बताओ। अरे आप 3 महीने का ही क्यों एडमिशन ले रहे हैं, पूरे साल का लीजिए ना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट आपसे मिलेगा डिस्काउंट? हाँ तो हम बिल्कुल बिल्कुल ले लेंगे, 1 साल का ले लेंगे, क्या दिक्कत अच्छी थी है ना। मैं भी ले लूंगा। आपका साल का पड़ेगा 25,000। अरे 25,000 कुछ है, 25,000 अभी कर देंगे बस। 26 कर देंगे, 26 कर तू कर दे चीज़। नहीं तू कर, हाँ तू कर। ठीक है मैं कर देता हूँ, लड़की का मामला है तो तू कर। कुछ साहब चल कर जल्दी। ए पेटीएम ला। ओके मैम डन तो चले एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज करा दो मैम हमारी आप। अरे अरे आप कल से आना, कल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। क्यों? आपने अभी अभी बात करी ना तो इसलिए कल से स्टार्ट होगी। ठीक है जान कोच मैम। ठीक है थैंक यू। अरे मेरे प्रोटीन ले लो कोई, अरे कोई ले लो, कोई तो ले लो प्रोटीन। ए भगवान मेरे प्रोटीन रखे रखे एक्सपायर हो गए, पूरे 2 साल हो गए, मेरा दादा लेके आया था। ए भगवान अब मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा, अरे कोई तो ले लो प्रोटीन मेरे। अरे लोकेश क्या बात है, क्यों इतना गुमसुम सा हो रहा है तू? अरे मेरे भाई तेरे को क्या बताऊं, मेरे प्रोटीन नहीं बिक रहे यार, 1 साल से आवाजें दे रहा हूँ, मेरे दादा देखे गया तेरे प्रोटीन को यार, एक भी नहीं बिक रहा। बिकेंगे भी कैसे, नकली माल जो बेचता है तू। अबे मेरे प्रोटीन नकली नहीं है, बस 2 साल पुराने एक्सपायरी है। तो बुद्धू 2 साल तो हो गए ना, एक्सपायर माल कौन खरीदता है आजकल पागल। वैसे लोकेश मेरे पास एक डील है तेरे लिए अगर मंजूर हो तो। डील? मेरे पास एक प्लान है दिमाग में, सुन इधर। सची? हाँ मुची। और बता। मुची तेरी कसम। और बता। एक गिली गिली पूछी मत क्या कर पागल था भाई। लेकिन एक बात बता, ये मलूक सी लड़कियां कहां से लेके आएगा? लड़कियां भाई लड़कियां, अरे भाई लड़कियां। भाई लेकिन ये लड़कियां मानेंगी? अरे भाई मानेंगी कैसे नहीं, 2-500 की हरी पत्ती दिखाऊंगा ना। अरे भाई ये तो लड़कियां है, बंदर में नाचता है पैसे के नाम पे, तो क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे देके मरती है। ओए जल्दी जा मैदान फतेह करके आ, भाग। फतेह? हाँ फतेह। चल क्या है? हेलो बॉयज। हाय। तुम दोनों तो इतने टाइम से वर्कआउट कर रहे हो ना, फिर भी इतने कमजोर हो। वैसे डाइट क्या लेते हो तुम दोनों? मैं तो पनीर खाता हूँ। और तुम क्या लेते हो? हाँ कभी कभी पास्ता भी खा लेता हूँ, और पनीर सैंडविच भी, स्प्राउट्स भी।
और बस इतना ही। बस इतना खाते हो इसलिए तो तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही। तुम ये डब्बा नहीं खाते क्या प्रोटीन का? जी तौबा तौबा कभी नहीं। ये डब्बा खाएंगे हम। भाई बेकार होता है डब्बा है, समझ गई? इसको खाने से पता है कितनी सारी बीमारियां होती है, तू सोच भी नहीं सकती। अरे इसी से तो बॉडी बनती है। अरे यार तू तो पीछे ही पड़ गई। अच्छा ठीक है ले लेंगे डब्बा। राहुल एक काम करेंगे उससे ले लेंगे अपने ट्रेनर से। अरे बाबा जिम ट्रेनर से लेने का कोई फायदा नहीं है, मुझसे लोगे तो तुम दोनों को फायदा मिलेगा। कैसे? तुम दोनों को बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा। बाय वन गेट वन फ्री मतलब एक डब्बे के साथ डब्बा फ्री, बढ़िया है ना, एक एक ले लेंगे दोनों भाई। अरे नहीं यार एक डिब्बे के साथ मैं फ्री। आप सही तो बोला मैंने, एक डब्बे के साथ डब्बा फ्री। चलो ये सब छोड़ो, तुम्हें ये डिब्बा लेना है, ये लो तुम्हारा डिब्बा। पैसे पैसे। अरे ये रहा तुम्हारा, पेमेंट इस पे करनी है। कर दी। ओके डन बाय। हेलो बॉयज। हेलो। वैसे मैंने ना आप दोनों को काफी टाइम से नोटिस किया है, आप यहीं वर्कआउट करते हो ना? हाँ मैं अकेला यहाँ पे वर्कआउट करता हूँ। मैं भी तो करता हूँ तेरे साथ वर्कआउट। हाँ ये भी कर लेता है कभी कभी। ओ अच्छा, तो वैसे आप दोनों की डाइट क्या है, आप क्या क्या लेते हो अपनी डाइट में? पनीर ब्रेड और थोड़ी सी दाल खा लेता हूँ। 15 अंडे रोज खाता हूँ मैं। अच्छा तभी तुम दोनों की बॉडी ऐसी पिचकी हुई टुंडो जैसी है। अरे तो क्या हुआ, मेरी बॉडी नहीं है तो क्या हुआ, मेरे भाई की तो है। जी 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 जी, इसे बॉडी नहीं कहते, इसे कहते कुपोषण का शिकार, समझ आई तुम्हें? तो क्या करें हम लोग? मैं बताती हूँ तुम्हें, बॉडी बनाने के लिए ना एक स्पेशल यंत्र का इस्तेमाल होता है। कैसा यंत्र? ये प्रोटीन का डब्बा। ये प्रोटीन? राम 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 राम। कैसी बात कर रहे हो आप? मेरी मम्मी ने है ना मेरे को बोला है ये प्रोटीन वगैरह कभी मत लेना, इससे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और मेरे एक दोस्त ने प्रोटीन लिया था तो उसके दस्त लग गए थे 3 दिन तक। अच्छा इसका मतलब तुम दोनों के माँ बाप डॉक्टर है ना, MBBS? डॉक्टर तो नहीं है लेकिन अच्छे लोग है वो। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, ये प्रोटीन के डब्बे के साथ साथ ना तुम्हारे लिए बिल्कुल धासु स्पेशल ऑफर है। क्या? लेकिन बाय वन गेट वन फ्री। हाँ भाई बढ़िया ऑफर है। अरे बुद्धो मतलब इस प्रोटीन के डब्बे के साथ साथ मैं फ्री मिलूंगी। एक काम करियो तू डब्बा रख लियो, मैं लड़की रख लूंगी। ठीक है ठीक है। अरे रुको ये रस कह रहा यहाँ पे कर दो। कितने करने हैं? ओनली 10,000 rupees ओनली। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। डब्बा ये डब्बा तो रख, लड़की मैं रखता हूँ। चले मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक के लिए बाय बॉयज। ठीक है ठीक है। ए चल वर्कआउट कर, डब्बा दे। अरे अरे मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं पैसों के। लगता है शिवम का प्लान सक्सेसफुल हो गया, लड़कियों ने सारे प्रोटीन बेच दिए। अब तो नोटों के नोट लगेंगे, नोट नहीं मतलब पेड़। अरे वाह मजा आ गया। वाह हाँ भाई लोकेश भाई क्या हाल है? आ गए गरीब लोग। हाँ बोल। अब तो भाई पैसों की बारिश हो रही होगी। क्यों नहीं यार तंगी चली हुई अभी। क्या ठीक है भाई प्रोटीन तो बिकवाए भाई, देख जो डील करी थी उस हिसाब से आधा हिस्सा मेरे को भी तो बनता है ना, बनता है ना? अरे पैसे क्या करेगा तू भाई, देख इतनी सॉलिड बॉडी नहीं है तेरी। ले तेरे को इसकी जरूरत है, ले ये खा, इसकी रोटी बनाइयो पकौड़े बनाइयो और खा दूध के साथ। लेकिन भाई ये तो प्रोटीन है ही नहीं, ये तो गेनर है गेनर। अबे गेनर प्लस प्रोटीन प्लस विटामिन प्लस सब कुछ है, जा और बॉडी शोडी बना, बल्ले बल्ले हो जा। ठीक है भाई। अब सुन। हाँ भाई। इसके पैसे कौन देगा? कौन देगा? खरीदा किसने? मैंने। इसको खाएगा कौन? मैं खाऊंगा। इसकी पकोड़े कौन खाएगा? मैं। दूध के साथ कौन पिएगा? अरे भाई मैं ही पीऊंगा। तो पैसे कौन देगा? मैं। देना। कुछ समझ में नहीं आया पता नहीं क्यों। मेरा उल्लू काटने चला था पागल सा,
दोस्तों इसे कौन बताए जो गोलमाल में मैंने गोपाल को बताई थी ना, लाइटर के साथ एसी फ्री, चड्डी के साथ गड्डी फ्री, वो स्कीम में मैंने ही बताई थी। ले गया सारा खराब आटा, अब तो घरवाली के लिए झुमकी लेके जाऊंगा। पहले वो वाली एक्सरसाइज करूंगे। चलो भाई, वो रही लड़कियां क्या बोलता है? हाँ सही कह रहा है, मार दे मौके पे चौका। यस लेट्स गो। भाई लग रहे हैं ना मेरे जिम वाले कपड़े। मैं तो मैं भी ले आया भाई के लिए। चलो भाई अब करते हैं जिम। यार भाई ये चली की गई तीनों, पता नहीं यार अच्छा वाला एक्सरसाइज कर रहे थे, मैं तो स्क्वाट मार रहा था, मैं वो हाथ की खिंचाई कर रहा था। अरे तो हम भी चले जाते हैं ना। लग रहा वो हमको इशारा करके गई हैं। इशारा होता है, इशारा नहीं होता। वही तो, चलो चलो। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा हल्का है, थोड़ा वेट डालो। अरे यार ये भी हल्का लग रहा है मेरे को, थोड़ा और मतलब हैवी वेट डालो ना यार, तभी तो लड़की इंप्रेस होगी। अरे यार अरे यार भाई ये वाला भी हल्का है, थोड़ा वेट डालो यार, तुमको समझ नहीं आता का? वेट 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 डालो वेट। मैं काम करते हैं, सारी प्लेटें डाल देते हैं जिम की। जब मजा आएगा। चला डाल डाल दे भाई डाल दे। चल क्या हुआ, लाइट वेट है ना? हाँ भाई लाइट वेट है, लाइट वेट। इसको पता लगेगा भाई लाइट वेट क्या होता है। मजा आएगा भाई, मजेदार है। मजेदार है ना? मजा आ रहा है। करना जल्दी करना यार, हमें भी करना है। तुम कर लो, मैं खड़ा रहा हूँ एक मिनट। बाकी मेरे को तो बहुत मजा आया। ये क्या था? अबे खड़ा हो ना। ऐसे तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है भाई? ले हाथ पकड़ मेरा।
किसने कहा था तेरे को लेग्स एक्सरसाइज करने के लिए? वेट बहुत लाइट है, और वेट डाल, और वेट डाल, डाल दे और वेट अप। भाई मेरे को लग रहा है मेरे पैरों की हड्डियां टूट गई। तो तुड़वा ले, कोई बात नहीं, कम से कम 8 महीने का बेड रेस्ट होगा। ये करेंगे एक्सरसाइज, लेग्स की एक्सरसाइज में इनकी तो टांगे टाइट हो गई हैं। मुझे तो लगता है पैरालाइज हो गया। चलो गर्ल्स, हम तो चलते हैं, बाय बाय।